एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की क्या आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, ओके, क्या उनको पता है आपके बारे में, सब कुछ देखेंगे। जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ओके, जो भी एनर्जीज निकल के आएंगी। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको क्रश पे रीडिंग अब हमेशा प्रोवाइड कराऊंगी, ट्राई करूंगी कि हमेशा प्रोवाइड करा पाऊं। तो गाइस, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि मैं आपके लिए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मेहनत तो कुछ करनी नहीं है आपको, बस लाइक करना है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी एनर्जीज कैसी हैं, क्या सोचते हैं वो। तो आपको अपने क्रश का नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है, उनपे फोकस कीजिएगा, ओके, ताकि मैं उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकूं सफल के दौरान, ओके। तो आपको अपने क्रश का नाम लेते रहना है, यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की क्रश की क्या एनर्जीज हैं इस समय, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स की क्रश उनको लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है द डेथ का कार्ड, ओके, यहां पर है एट ऑफ वॉन्स, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। चलिए देखते हैं और भी कार्ड्स निकाल के कि क्या एनर्जी से मेरे व्यूअर्स की क्रश की, बताइए यूनिवर्स। ओके, द सन का कार्ड है यहां पर। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। द सन का कार्ड है यहां पर। यहां पर है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके, यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड, ओके, यहां पर है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है द मजिशियन का कार्ड, ओके। तो गाइस, मुझे यहां पर दिख रहा है आपके क्रश दो चीजों में फंसे हुए हैं, दो सिचुएशंस में फंसे हैं, या इनकी लाइफ में, मतलब ये आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, ये भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि यहां पर है एट ऑफ वॉन्स का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि ये ना, हो सकता है इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, इनकी कोई वाइफ हो सकती है, या फिर मुझे यहां पर दिख रहा है कि, या फिर मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके क्रश के आगे पीछे काफी लोग, मतलब इनको, इनके, इनको बहुत ज्यादा प्रपोजल मिलते हैं, इनके मतलब इनके पास किसी की कमी नहीं है, यानी कि प्रपोजल्स की कमी नहीं है, इनको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आपके अलावा भी इनका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो इनको लाइक करता है या लाइक करती है, ऐसा भी दिख रहा है। तो बेसिकली आपके अलावा ये कहीं ना कहीं और भी बात करते हैं। आप देखो, आपकी तरफ इनका पूरा ध्यान है, आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील करते हैं, इनफेक्चुएशन फील करते हैं, आपको लेके ऑब्सेस्ड बहुत रहते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कोई भी है इनकी लाइफ में, ऐसा भी मुझे दिखता है। कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है कोई तो यहां पर, या इनकी, जैसे मैंने बोला, मैरिड से डील कर रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है ये कोई वाइफ हो सकती है इनकी, या हस्बैंड हो सकते हैं इनके। तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूं, कोई ना कोई आपके अलावा है यहां पर, बट स्टिल ये ना आपसे बहुत ज्यादा इनफेक्चुएशन, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और ये चाहते हैं आपके साथ डेट करना, आपके साथ रोमांस करना, आपके साथ क्लोज आना, रिलेशनशिप में आना, अगर आप नहीं हो इनके साथ रिलेशनशिप में अभी तक, तो कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली बात, आपके क्रश हैं, आप नहीं होगे, तो कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना,
और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने कुछ लोगों के साथ, देखो क्योंकि ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे ना आप उतना रखिए, हो सकता है कुछ और पार्ट किसी और से रेजोनेट करे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोजल दिया, या आप इनसे नोन हो, ये आपको जानते हैं, या तो ऐसा है आपके फ्रेंड है, या कहीं ना कहीं आप इनसे हर्ट हो, इन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं। कुछ तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई है, कुछ तो यहां पर हुआ है जहां से आप दोनों की हो सकता है कुछ झगड़े हुए हैं, या आप ये आपको मना रहे हैं और आप नहीं मान रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं यहां पर। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये चीजें, आपको मनाना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हो ये आपको प्रपोजल दे, पर इनको कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं आ रही थी, बट अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है, अपने पूरे दिल से आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। देखो आप दोनों के बीच में जो भी रुकावटें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, उनको ये कम करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बेसिकली अपने दिल की बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप मतलब ना ये आपसे इतना प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ये कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप कहीं ना कहीं इन्हें ना इंस्पिरेशन भी देते हो, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है, कहीं ना कहीं इनको आपका नेचर इतना पसंद है, आपकी फिजिकल ब्यूटी या हैंडसम है आप, कुछ ना कुछ आपकी तरफ ना बहुत ज्यादा एक खिंचाव सा ये फील करते हैं। आपके क्रश आपको देखकर ना ऐसा लगता है इनको कि बस इसके पास चलाऊं या चली आऊं, इससे बस बात करता रहूं या करती रहूं, कुछ ऐसा, या देखता रहूं या देखती रहूं। हो सकता है ये कन्फेस नहीं किया इन्होंने आपको आज तक, या आपने इनको, तो वो एनर्जीज मैं यहां पर देख रही हूं। कुछ बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं ऐसा भी दिख रहा है। कुछ तो नेगेटिविटी या तो इनके साथ हुई है, या फिर कभी कुछ अंदर इनके नेगेटिविटी है, मतलब बेसिकली कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। कुछ ये ऐसे भी हो सकते हैं, थोड़ा ईगोस्टिक हो सकते हैं, या कुछ इनके अंदर ऐसा है, कमियां हैं जिन्हें ये सुधारना चाहते हैं और तब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, जब आपकी नजर भी नहीं होती है, जब आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, शायद आप लोग साथ में काम करते हो, या फिर हो सकता है आप लोग साथ में कुछ ना कुछ आपको देख पाते हैं, ये आपके आस पड़ोस में रहते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, या फिर अगर ऑनलाइन भी ये आपको मिले हैं, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है कनेक्शन, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ये आपकी पिक्स देखना, या फिर आप कब ऑनलाइन हो ऐसा देखना, या आप किससे बात करते हो और आप ऑनलाइन हो किससे बात कर रहे हो, मतलब बहुत क्यूरियस होते हैं आपको, आपके बारे में जानने के लिए, बेसिकली ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा। जो इनकी एनर्जीज मुझे यहां पर दिख रही है, ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आपसे, रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, या फिर मैरिज की एनर्जीज दिख रही है, मैरिज की एनर्जीज दिख रही है, शादी करना चाहते हैं आपसे, बहुत ज्यादा ना बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं, मतलब एक झुकाव सा फील करते हैं। आप ना इनको इतने खूबसूरत लगते हो या हैंडसम लगते हो, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, बहुत आकर्षित हैं आपकी तरफ, और इनको ऐसा लगता है अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो वाओ, मेरी तो विश ही फुलफिल हो जाएगी, मेरा तो सपना पूरा हो जाएगा, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपको ना। आपके लिए ना इनकी जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ आपके लिए, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है यहाँ पर, फीलिंग्स बहुत जेन्युइन मुझे दिखती हैं। और मुझे यहाँ पर दिखता है कि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये ना आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, बताते नहीं है, थोड़ा इंट्रोवर्ट इनका नेचर हो सकता है, या चुपचाप रहते हैं, या शाय है, कुछ ऐसी एनर्जीज भी कुछ लोगों के क्रश के साथ मुझे दिखती है, बट आपके आप की तरफ ही खोए रहते हैं, आप ही के यादों में खोए रहते हैं, या फिर ऐसा लगता है इनको हर समय आप ही का चेहरा दिखाई देता है, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। तो यस, ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर डरते हैं, यहाँ पर डर भी मैं देख रही हूँ, इनको डर है कहीं आप मना कर दोगे, इनको डर है कहीं आप टू ऑफ सोर्ड्स की कार्ड से मुझे ये भी एनर्जीज दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये डरते हैं,
कहीं मैंने इसको प्रपोज करा या ये मना कर देगी, मतलब आपको ना खोने से डरते हैं। अगर आपके साथ ये ऑलरेडी फ्रेंड हैं आपके या आप दोनों की बातें होती हैं, ये आपका कनेक्शन इनके साथ खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं डरते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है द मजिशियन का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए या आपके साथ मैरिज को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल से चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ शादी करना, आपके साथ रिलेशनशिप में आना, चीजें सही करना, हर चीज ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। अचानक से हो सकता है ये आपको प्रपोजल भी दे दे, ऐसी भी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, आप भी इनको बहुत ज्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, आप चाहते हो ये आपको अपनी फीलिंग्स बताए, कन्फेस करे, ये आपके सामने सामने से आए, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। और मजिशियन का कार्ड है, ये तो हर चीज करने में कैपेबल है, हो सकता है ये अच्छे सिंगर है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या ये मुझे दिखते हैं कि कुछ इनको ना डांस करना या सिंगिंग करना या कुछ ना कुछ इनका इंटरेस्ट है किसी ना किसी चीज में, ऐसा मैं देख रही हूँ। क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है इनके अंदर, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं या ब्यूटीफुल हो सकती है आपकी क्रश। मुझे एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है, काफी हैंडसम होंगे, ये चीजें दिख रही है, और इनके आगे पीछे बहुत लाइन लगती होगी, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश की और क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश की क्या एनर्जीज हैं, यहाँ पर बताइए। ओके ओके, यहाँ पर है नो पीस लाइक होम, मतलब इनको आपके आपके साथ ना इतना सुकून मिलता है, आपको देखकर, आपके बारे में सोचकर बहुत सुकून मिलता है, आपको देखकर, आपसे बात करके, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। अच्छे लगते हो बेसिकली इनको आप, थिंकर का कार्ड है, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, इनको रात दिन आप ही का ख्याल आता है। एक सॉन्ग चैनल सॉन्ग मुझे आया है, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। तो वो चीज देख रही हूँ, इनको बस ना आप ही के बारे में ये सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं दीवाना हो गया हूँ या दीवानी हो गई हूँ इसकी, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा इनको रह रहकर आपका ध्यान आता रहता है, बस जैसे मानो ना पागल जैसे हैं ये आपके लिए, ऐसा दिखता है मुझे। यूनिवर्स बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की क्रश की। टू द सी, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे मैंने आपको पहले भी बोला है ये कनेक्शन, या किसी तरीके से ना आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, दूर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इतने इमोशंस, ये ना देखो इनकी लस्ट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, यहाँ पर इमोशनली बहुत ज्यादा आपको फील करना चाहते हैं, क्रेव करना चाहते हैं, एक जैसे होता है ना कि पार्टनर की नीड है, इनको वो पार्टनर की नीड है जहां इनको ऐसा लगता है आप एक परफेक्ट इंसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जानते हैं या कहीं ना कहीं इनको आपका नेचर पता है, तो एक परफेक्ट पार्टनर आप इनको दिखते हो। यहां पर है टू बी फेयर, तो ना ये आपके लिए हर चीज वो करना चाहते हैं, हर चीज आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ फेयरली बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, मतलब इनकी फीलिंग्स जो है ना वो जेन्युइन है, फेयर है। तो यहां पर है राउंड एंड राउंड, तो कंफ्यूज्ड है आपकी तरफ बढ़ा कैसे जाए, देखो बढ़ना तो चाहते हैं पर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे इनके मन में। ओके, यहाँ पर टीजर आइसलैंड का कार्ड, इनके दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, थोड़ा मुझे इनकी पर्सनैलिटी रफ एंड टफ वाली भी दिख रही है, कि ऐसा दिखा आपको लगता होगा यार ये बहुत रफ एंड टफ है, मतलब इनके अंदर कहाँ फीलिंग्स होंगी, बट स्टिल मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग्स दिख रही है इनके अंदर। ओके, और मुझे ना ऐसी एनर्जीज निकल रही है, जैसे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, जैसे ये कहना चाहते हो तुमको देखे बिना मेरा दिल लगता नहीं,
दिल पे अब कोई जोर चलता ही नहीं, मतलब ये नया चाह के भी इनके दिल में जोर नहीं है, यानी कि इतना ये आपके बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं और दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यस गाइस, तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की एनर्जीज। मुझे यहाँ पर अभी इतनी एनर्जीज पिक हो रही है, तो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, शेयर जरूर कीजिएगा।